Welcome to Spice Up with Madhvi. It's hot. वेलकम टू स्पाइस अप विद माधवी। फ्रेंड्स, आज बहुत गर्मी है, ऐसे में प्लीज आज कुकिंग के लिए मत कहिएगा। लेकिन मैं क्या पी रही हूँ? ठंडा ठंडा कूल कूल। ये घर का बना हुआ एलोवेरा ड्रिंक है। बहुत से लोगों के घर में एलोवेरा का प्लांट होता है और इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए, इतनी गर्मी में आपको खुश करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ठंडा ठंडा कूल कूल मैंने कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने एलोवेरा की लीव्स ली थी और इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि मैंने आपको जैसे दिखाया कि जो येलोइश जो होता है थोड़ा सा, वो आपके पेट के लिए अच्छा नहीं, हल्का पॉइजनस मानते हैं उसको। तो उसको थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से लटका करके रखेंगे पत्तियों से, तो वो टपक जाएगा। फिर उसके बाद से धो लें और फिर कोशिश करके ये इतना जो हिस्सा है इसे भी अगर हम काट देंगे तो ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि पीने का मामला है, पेट का मामला है, तो कोई गलत चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए। और भूलिएगा नहीं, जबकि हमने जो जेल है, एलोवेरा जेल है, इन लीव्स से निकालना है, लेकिन फिर भी इन्हें ऊपर से बहुत अच्छी तरह से ज़रा ध्यान से, क्योंकि इनमें यहाँ पर कांटे होते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हाथ में कांटे ना लगे, हम ये जो कांटे हैं इन्हें इस तरह से साइड से निकाल लेंगे। तो ये आपके हाथ में नहीं लगेंगे, तो ये ऐसे हम इन सब में से। देखें, ये सब इसके जो दोनों तरफ से कांटे थे ये निकल गए। देखिए, अभी भी इसमें जो ये येलो जो है अभी भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो इसलिए हमें ये इस हिस्से को हम निकाल करके फेंक देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अब हमें इसे आप जिस तरह से देखिए, लीव मुड़ी हुई है, इसको निकालने का मैं अच्छा तरीका बताती हूँ। कई तो एलोवेरा प्लांट है काफ़ी थिक होते हैं, तो उसमें बड़ी आसानी भी रहती है, जल्दी काफ़ी निकलता है ये, जबकि इतने मोटे नहीं हैं। तो जैसे कर्व है जो ऊपर का हिस्सा है, आप उसे छुरी की मदद से इस तरह से लपकना। अगर आपको लगता है कि ये लंबाई में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसके बाद में भी ये छिलके को उतार सकते हैं। ये आप पर है, जैसे आपको कन्वीनियंटली, क्योंकि एक तो स्लिपरी बहुत होता है, तो जैसे कन्वीनियंटली आप निकाल सकें तो आप उसे उस तरह से निकाल दें। मगर आप तो जानते हैं फ्रेंड्स, एलोवेरा के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। आपकी स्किन के लिए अच्छा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं ये उसके लिए भी अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो ढेर सारे फायदे हैं। तो और फिर जब घर में प्लांट हो तो फिर तो आपको बाहर से जेल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। इनके फेस मास्क बनाइए, और जैसे ये देखिए, मैं ये जो फेंकने वाली चीज़ें हैं, जैसे हम इसको छिलके को उतार रहे हैं, तो आप इन छिलकों को फेंकिए नहीं। आप इनसे दो चीज़ें कर सकते हैं कि इन छिलकों को बाद में अपनी स्किन पर, चाहे फेस पर या हाथों पर अच्छे से रगड़ सकते हैं, और या फिर इन छिलकों को इकट्ठा करके आप पानी में भिगो दें किसी बर्तन में अच्छे से, और उसको पूरी रात भर आप पड़ा रहने दें। और जब क्या होगा कि ये सुबह इसका पानी जो होगा वो अच्छे से स्किन मिक्स हो जाएगा, और उस पानी को आप एक 10 लीटर के बकेट में डाल करके और अपने प्लांट्स जो हैं, फूल हैं, किसी भी चीज़ में आप दीजिए, बहुत अच्छे रहेंगे। फिर देखिए आपके गमलों में आपके फूलों पर और भी। फिर जब इसका सब पल्प हम निकाल लेंगे, हमें उसके बाद भी इसे अच्छे से धोना, मुश्किल होता है थोड़ा सा क्योंकि स्लिपरी होता है।
तो ये देखें, ये तीन जो मैंने लीव्स ली थी इनका मैंने ऊपर का जो शेल था, ऊपर का जो छिलका था वो उतर गया है। अब हमें इसे बाहर निकालना, आप दो चीजें कर सकते हैं, आप इसे स्पून की मदद से भी निकाल सकते हैं, छुरी, क्योंकि स्लिपरी होता है, कई बार लगता है कि छुरी हाथ में ना लग जाए, तो आप छुरी से निकाल सकते हैं या फिर ये एक स्पून ले लेते हैं हम और इसे यहाँ ले लेते हैं हम ये बोल, और ये जो जल है ये देखिए ये आराम से इस तरह से निकलता है। तो ये फ्रेंड सारा जल हम निकाल चुके हैं इस बोल में, अब हम इसे धोएंगे जरूर, धोना बहुत जरूरी है, तो इसको हम वॉश कर लेते हैं और फिर आगे इसे फिर हम ग्राइंडर में पीसें। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें, मैंने ये सब साफ करके सिर्फ बहुत खुले पानी से मैंने इसको धो लिया है, जो हमारा एलोवेरा का पल्प हमने निकाला था, और इसे मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, और अब हम इसे पीसेंगे। लेकिन इसमें हम डालेंगे कुछ मिंट लीव्स इसको फ्लेवर देने के लिए, और इसके साथ ही हम डालेंगे हनी, थोड़ा सा शहद, और क्योंकि अभी गर्मी है तो बहुत से लोग अवॉइड कर सकते हैं जिंजर, लेकिन मैं डाल रही हूँ जिंजर से फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो बिल्कुल देखेंगे कि मैंने बिल्कुल छोटे छोटे जिंजर के पीसेस लिए हैं, तो इसे डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। और यहाँ अभी हम नींबू का रस नहीं डालेंगे, उसे हम बाद में डालेंगे, इससे पहले हम अच्छी तरह से अपने जो मिक्सर है उसमें पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, इसमें जिंजर भी था और इसमें मिंट लीव्स भी थी और हमारा एलोवेरा और कुछ हनी के साथ में हमने इसको पीस लिया था। और अब हम इसे ग्लास में लेते हैं और स्ट्रेनर से इसे छान लेंगे। छानने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें स्लिपरी होता है, लेस वाला होता है। छानने ये हमारा पूरा जो एलोवेरा जल जेल है वो छन चुका है, और अब हम इसमें कुछ और चीजें मिलाते हैं, और वो क्या चीजें हैं देखें, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग, देखने में ही इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये लेमन जूस, नींबू का पूरा रस, और इसके साथ ही एक और बढ़िया सी चीज़ मेरे पास में है, और वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स फ्रेंड्स बहुत अच्छी आपकी हेल्थ के लिए, और स्पेशली व्हेन यू वांट टू रिड्यूस योर वेट। देखें इसमें ये मैंने चिया सीड्स, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो करके रख दिया था पानी में, और अब हम ये और इसके साथ भी अभी बहुत कुछ है, हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च और काले नमक का मसाला जो मैंने पीस करके बनाया हुआ है, तो इसका फ्लेवर अच्छा होता है, बट ये इंटायरली आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा डालें और ठंडा ठंडा पानी। फ्रेंड्स ये मैंने आपको ना बहुत सिंपल वाला तरीका बताया है, आप चाहें तो जैसे जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आपके पास में, आप वो फ्रूट्स जो हैं वो भी इसमें डाल करके, जब आप एलोवेरा जेल को मिक्सी में पीस रहे हैं उसी वक्त आप
ये भी डाल सकते हैं इसमें, कोई भी फ्रूट चेरीज हैं, चाहे बनाना स्मूदी के टाइम में स्मूदी बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये हमारा एलोवेरा जूस तैयार है, गर्मियों में बहुत मजा आएगा। और चाहे आप इसे डिफरेंट फ्रूट्स के साथ भी मिक्स करके बनाइए, आप ये जो एलोवेरा का जूस जो मैंने निकाला था, आप जब मैं आप मिक्सी में पीसे, इसे अलग से पीस करके आप फ्रिज में 4-5 दिन तक चला सकते हैं, और फिर जब भी आपको ड्रिंक चाहिए तो आप उसमें, आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप गार्डन में जाएं और फिर एलोवेरा की लीव्स को तोड़ कर लाएं और फिर से बनाएं, इसे एक बार निकाल के साफ करके, क्योंकि टाइम लगता है, बहुत स्लिपरी होता है, तो आप निकाल करके इसे फ्रिज में रख दें, रात को फेस की मसाज करें उस जेल से, उसमें थोड़ी सी बूंदे अगर आप ऑयल की मिला दें, जो भी आप ऑयल फेस पर लगाना, ऑलिव ऑयल तो बहुत ही अच्छा है, उसमें 2-3 बूंदे ऑलिव ऑयल की लगा डाल करके और फेस पर रात को मसाज करके सोएं, देखिए आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और पीने से तो होगी ही, तो मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, मैं इसे पी रही हूँ। वाह क्या बढ़िया है, एकदम रिफ्रेशिंग, ठंडा ठंडा, कूल। तो आप भी बनाइए और घर आने वाले मेहमानों को भी बना करके पिलाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब हाँ जी करिए अगर अभी तक नहीं करवाया तो।